चमोली जिले में डेंगू की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर स्कूलों में रैलियां, भाषण, निबंध, कविता पाठ और गोष्ठियां आयोजित की जा रही है। अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों, दवाओं के साथ ही डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। ANM और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लार्वा को नष्ट करने के काम में जुटी हुई है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में एलाइजा मशीन से डेंगू की जांच की जा रही है। अब तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई थी और उन सभी को जो है निर्देश भी दिए गए थे कि जहां जहां पर पिछले साल जो है जिन एरियाज में केस आए हैं वहां पे लार्वा मारने का पेस्टिसाइडल स्प्रे, फॉगिंग, नालियों का जो है रखरखाव, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, इन सब के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर निगम की टीमें लगातार इन एरियाज का निरीक्षण कर रही है, फॉगिंग कर रही है और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही है। जिला डेंगू नियंत्रण व रोकथाम प्रभारी उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि डेंगू रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाई, जांच किटों की व्यवस्था भी की गई है। जी, हमारे विभाग द्वारा जो है जनपद में डेंगू रोकथाम के लिए जो है हमने प्रचार प्रसार के लिए पॉम्पलेट, होर्डिंग सब जगह बांट दिए हैं सारे अस्पतालों में हमारे। इसके अलावा हमने पूरे जनपद में जो है 25 बेड जो है आरक्षित किए हैं डेंगू पेशेंटों के लिए, और अगर भविष्य में जो है डेंगू पेशेंट बढ़ते हैं वैसे तो 10 बेड हमने जो है सिंधी बेस हॉस्पिटल में जो है अलग से आरक्षित किए हुए हैं।